हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11 बजे। और आज है फ्राइडे और सानवी की भी छुट्टी है आज, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की वजह से। और यहाँ शायद हमारे पीएम भी आ रहे हैं आज और कल, दो दिन मार्केट में भी पूरा डाइवर्ट किया हुआ है रूट्स वगैरह। तो सानवी की भी छुट्टी है तो वो तो अपने काम में लगी पड़ी है। तो जस्ट अभी हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है, उस ब्रेकफास्ट के बाद मेरे हस्बैंड अभी नहाने गए क्योंकि आज उनका भी ऑफिस थोड़ा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रूट सारे डाइवर्ट हुए पड़े तो उन्होंने भी आज छुट्टी ली है। तो बस जस्ट अभी हमारा सारा काम आधा ही निपटा है कि सानवी ने और काम हमारा फैला दिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला दिया है। तो मौसम भी बहुत शानदार हो रहा है। आई होप कि आपने मेरा कल मेले वाला ब्लॉग देखा होगा, इन्जॉय किया होगा। और हमारी तो लग गई थी कल, अगर थोड़ा 2 मिनट और लेट होता हम उसमें झूले में, क्योंकि हम पहले उतर गए थे, किसी का बच्चा था तो वो रो गया था, तो उसके पापा ने उसे उतार दिया था। उसी दौरान मैं और भाई निकल गए थे वहाँ से। नविका को तो बहुत गुस्सा चढ़ा कि हमारे पैसे भी बर्बाद कर दिया और मुझे झूला भी नहीं झूलने दिया। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दहशत वाला सीन था। मेरे को तो लगा कि आज के बाद मैं कभी बैठूंगी नहीं झूले में। तो बस चलिए, तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ और सानवी की दिखाती हूँ बाहर कारनामे। चलिए, तो यहाँ सानवी के कारनामे हो रहे, कुछ रंगोली के कलर्स हमारे दीपावली वाले बच गए थे, तो सानवी अपने ब्लॉक्स के अंदर उन्हें डाल रही है ना। बस छुट्टी के दिन हमारा ये काम होता है कि नहीं जाना। हाँ, स्कूल की तो आज छुट्टी है, तो ये काम होता है कि सारी सफाई करते रहो और बाबू अपना काम बिगाड़ते रहेगा। तो मौसम कुछ ऐसा शानदार हो रहा है, पूरी खिली खिली धूप आ रही है और कुछ नहीं। देखो मुझे फिर भी अपने काम में लगी पड़ी है। अगर चलो ठीक है, कम से कम उसके लिए एक स्पेस है कि वो आराम से वहाँ पे खेल लेगी और ज़्यादा फैलेगा नहीं घर। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। और आज तो आपको फ्राइडे को तो आपको मेले वाला ब्लॉग मिलेगा, तो ये सैटरडे को ये वीडियो आएगी आपके पास। और तो देखते हैं क्या होता है। 3 दिन की बाबू की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ छुट्टी रहे, मतलब फ्राइडे की तो वैसे ही छुट्टी है, सैटरडे संडे तो बाबू का स्कूल वैसे भी बंद रहता है। तो क्या होता है फ्राइडे सैटरडे संडे में, मुझे लगता है ये भी कहीं पिछले हफ्ते की तरफ बोरियत वाले दिन ना जाए, बस थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हो जीवन में। तो बस उसी की कामना कीजिए मेरे लिए और अपने लिए भी, मैं भी आपके लिए ऐसी कामना करूँगी कि आपका भी सैटरडे संडे ऐसा बोरियत वाला ना जाए, कुछ अच्छा अच्छा फील हो। तो आज बज चुका है 1 और अब जाके हमारा नहाना हुआ है, मेरा और सानवी का। अब हम थोड़ी देर धूप में जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड हुई, धूप में चलते हैं थोड़ी देर। दही आलू मटर रोटी रायता। तो हम आए नीचे से और नीचे से आने के बाद सानवी ने खाना खाया और वो तो सो गई है और मुझे उसका सारा सामान बॉक्स में पैक करना पड़ रहा है। नीचे पूरा फैला पड़ा, सारा नीचे जमीन सब कुछ फैली पड़ी है। बस माता जी को आराम चाहिए, वो सो गए हैं, उनका काम हो गया फैला के सोने का। और मेरा काम है ना सुबह से लेके सुबह समेटो, फिर शाम को और फैलाएंगे, फिर शाम को समेटना, मतलब पूरा घर बिखरा पड़ा है। कुछ समेटा समेटी नहीं है, कुछ समेटा जाएगा। माता जी आराम से लेती है वहाँ पर, अभी कंबल भी नहीं उड़ा है, से कमल भी सामान समेत। तो शाम के बज चुके हैं 5, जस्ट लंच करने के बाद मैं भी सानवी के साथ थोड़ा सा लेट गई थी, बस स्क्रॉलिंग कर रही थी थोड़ा सा फ़ोन में। और अभी का मौसम हो गया कुछ ऐसे, धूप इधर से चली गई उधर साइड में चली गई है। मैं कब चाय पीने का भी मन कर रहा था कि चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। और आज का फ्राइडे भी ऐसे ही निकलता हुआ जा रहा है, हाथों से ऐसे फिसलता हुआ जा रहा है। हॉलीडे के नाम पर धब्बे होते हैं सब चीज़ें। चलिए चाय बनाते हैं, फिर देखते हैं चाय। अरे यहाँ बन रही है मेरी नूडल, मतलब मैगी। तो जस्ट अभी मम्मी ने यूट्यूब से देखा है कि शॉल का पोंचू कैसे बनाते हैं, तो मम्मी ने शॉल जो स्टॉल टाइप्स होते हैं उसका पोंचू बना के ऐसे दिखा रही थी कैसा लग रहा है, ये देखो। हमारा दिन तो पूरा ऐवें रहा, लेकिन अब हमें एक आइडिया आया शाम को अच्छी बनाने का, तो हम बना रहे हैं वड़ा पाव, जिसके लिए मैंने आलू उबाल दिए। और आगे का प्रोसेस करेंगे जब आलू ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद ही सारा प्रोसेस चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वड़ा पाव बनाते हैं और
वीडियो बनाएंगे और खाएंगे भी और आनंद लेंगे शाम का, है ना। चलिए, यहाँ पे हमारे आलू उबल चुके हैं पूरी तरह से। अब पाव वगैरह हमने ब्लिंकिट से मंगाया, वो आने बाकी है अभी। तो यहाँ पे हमारा ब्लिंकिट से सामान आ चुका था, तो हमने मंगाए थे 2 पाव के पैकेट और 1 मक्खन की टिक्की और चीज़। तो ये हमने ब्लिंकिट से सामान मंगाया तो 15 मिनट में आ गया था। तो यहाँ पे मैंने मिर्चें तल दिए हैं, पाव बड़ा पाव हमारे हो गए हैं और पाव गरम करके यहाँ पे रख दिए हैं ताकि प्लेट में लग जाए। और ये है इसकी स्पेशल चटनी। तो यहाँ मैं अभी तक और फ्राई कर ही रही थी कि कम ना पड़ जाए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा तल दिए थे। तो यहाँ पे सबकी प्लेटें सज चुकी हैं और लास्ट में आती है हमारी हम घर की लेडीज़ों की बारी। तो वही जस्ट मेरी प्लेट लगी हुई थी तो उसके लिए मैंने लेते। तो गाइस, रात के बज रहे हैं 10 और सानवी ने अपना पूरा सामान फिर से यहाँ फैला दिया है और अपना वो बाहर आराम से रही। फिर से मैं बैक टू वर्क, अपना जो मैंने दिन में समेटा समेटी की थी वापस से मुझे इतना ही सारा सामान समेटना पड़ेगा। तो आज हमने बनाया था बड़ा पाव, जो अभी आपने मेरा देखा होगा थोड़ा देर पहले क्लिप। और सानवी ने यहाँ पूरा सामान फैला दिया, पूरा रूम ऐसा मैसअप हो रहा है। तो मैंने सोचा पहले उसका सामान समेट देते हैं और आज का जो ब्लॉग है इसे यहीं तक रखते हैं, है ना। तो पूरा दिन का काम करने के बाद ना मन करता है कि 10 बजे तक लेट जाओ, पर सानवी को नींद नहीं आती, वो 11-12 बजे से पहले नहीं सोने की। फिर भी मुझे अपना काम तो करना ही होता है कि सारा बिस्तर सेट कर देते हैं, उसके बाद जब उसे सोना होगा सो जाएगी, है ना। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। जय माता दी, राधे राधे।